अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लेक्चर नंबर 3 को समझने जा रहे हैं, जिसमें हम रीनल कंपनसेशन के कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिर्फ और टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज हम समझने जा रहे हैं रीनल कंपनसेशन के मैकेनिज्म को। रीनल कंपनसेशन के मैकेनिज्म को आज हम समझने जा रहे हैं, रीनल कंपनसेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी कंपनसेशन को हमने समझा था और आज हम समझने जा रहे हैं रीनल कंपनसेशन के मैकेनिज्म को। याद रहे, रीनल कंपनसेशन का जो रिस्पांस होता है वो थोड़ा डिलेड होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी कंपनसेशन का जो अफेक्ट होता है वो जल्दी आता है, रीनल कंपनसेशन का जो अफेक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन के मुकाबले में थोड़ा डिलेड आता है। अब रीनल कंपनसेशन की हम बात करते हैं, जब भी प्रॉब्लम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ से होगा तो रीनल सिस्टम उसको क्या करेगा, किडनी का जो सिस्टम होगा उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। और जब भी मेटाबॉलिक की तरफ से प्रॉब्लम होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, कंपनसेट करता है, ये मैंने बताया था। तो रीनल कंपनसेशन की बात करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम जो होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ से होगा। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की हम बात करेंगे। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने जो लेक्चर नंबर 1 में समझा था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, क्या होता है, पीएच कम हो जाएगी, 7.35 से 4.5 नॉर्मल है ना, 7.35 से कम हो जाएगी, ये हो गई पीएच कम, पीएच कम हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। क्यों पीएच कम होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या बनता है, एसिड बनता है, और ज्यादा से ज्यादा एसिड बनता है जिस वजह से पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो है पीसीओ2 जो है, पीसीओ2 जो होगा वो क्या है, ज्यादा हो गया, पीसीओ2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ, पीएच क्या हो गया, कम हो गया, दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रीनल सिस्टम चाहता है कि पीएच में तब्दीली ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस का निजाम बना हुआ, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखने का सिस्टम है। तो रीनल सिस्टम चाहता है कि पीएच चेंज ना हो, पीएच जो है वो नॉर्मल की तरफ आए, यानी इसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, कंपनसेट करता है, कंपनसेट का मतलब इसको नॉर्मल पर लाने की कोशिश कर रहा है, मसला जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ से था। तो इसको नॉर्मल पर लाने की कैसे कोशिश करता है, देखिए बाइकार्बोनेट आयन जो है उसको रिटेन करना शुरू करता है, बाइकार्बोनेट आयन को क्या करता है, रिटेन करना शुरू करता है, यूरिन में जो बाइकार्बोनेट आयन एक्सक्रीट होने थे ना उसको क्या करना शुरू कर देता है, वो रिटेन करना शुरू कर देता है, जमा करना शुरू कर देता है यूरिन के जरिए, इसको कम, जितना यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट होना था उसकी एक्सक्रीशन को कम कर देता है और ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन को बढ़ा देता है। अब ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन को बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा एच प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेगा और फ्री एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन को कम करेगा, और एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी पीएच क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है, यानी पीएच को टूवर्ड्स नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। अब पीएच जो है वो नॉर्मल पर लाने के गौर से सुनिएगा, अब दो तरीके हो गए, या तो पार्शियल कंपनसेशन है या कंप्लीट कंपनसेशन है, ये पार्शियल कंपनसेशन है, पार्शियल कंपनसेशन है, और ये है कंप्लीट कंपनसेशन। पार्शियल कंपनसेशन में पीएच जो है वो नियर नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं हो सकेगी, नियर नॉर्मल, नॉर्मल लाने की कोशिश कर रही होगी, और कंप्लीट कंपनसेशन के अंदर पीएच जो है, कंप्लीट कंपनसेशन में पीएच जो है वो क्या हो चुकी होगी, पीएच जो होगी वो नॉर्मल हो चुकी होगी। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पीएच है, मैं पार्शियल, देखो याद रखना कंप्लीट कंपनसेशन के लिए पूरा एक अलग से लेक्चर रखा हुआ है, उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, सबसे मुश्किल वही होगा,
लेकिन पार्शियल कंपनसेशन की एग्जांपल मैं साथ साथ देता जा रहा हूं ताकि हमें पार्शियल कंपनसेशन पे इतना फोकस ना करना पड़े। तो पीएच हमारे पास जो है भाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ना, पीएच हमारे पास है 7.2, पीसीओ2 का लेवल जो है वो है 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पीसीओ2 कितना है 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो चाह रहा है यूरिन में जो है वो किडनी ने उसको रिटेन करना शुरू कर दिया ना, तो बाइकार्बोनेट आयन चाह रहा है कि पीएच जो है वो नॉर्मल तक आ जाए, कोशिश में लगा हुआ। तो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। नॉर्मल कितना था 22 से 26 था, बाइकार्बोनेट आयन का लेवल फॉर एग्जांपल हो गया 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये एबीजी मेरे सामने आती है, तो सबसे पहले मैंने देखा एसिडोसिस। एसिडोसिस में जब मैंने देखा पीसीओ2 का लेवल बढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है, ओके, मतलब क्या हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और बाइकार्बोनेट आयन के लेवल भी क्या है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब रीनल जो है वो क्या कर रहा है, कंपनसेशन करने की कोशिश कर रहा है, इसको नॉर्मल पर लाने की कोशिश कर रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया पूरी कंप्लीट। भाई पीएच नॉर्मल तो नहीं हुई ना, नॉर्मल पर लाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये हुआ पार्शियली कंपनसेटेड, partially compensated respiratory acidosis, respiratory acidosis। याद रहे ट्रीटमेंट हमारा इस लेवल नहीं है, ट्रीटमेंट पे पूरा फिर एडवांस लेक्चर हमारा बन जाएगा, वो बहुत ही डिटेल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो मोटिव है कि हम इंटरप्रेट करना आपको बताएं। फिर मैनेजमेंट पर पूरा एक अलग हम लेक्चर डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, अल्कलोसिस की क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीजें आएंगी। तो ये इंटरप्रेट किया पार्शियली कंपनसेटिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हमारे पास दूसरा आ गया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की हम बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में भाई एल्कलोसिस पीएच क्या होगी, ज्यादा 7.45 से ज्यादा, ओके भाई पीएच ज्यादा। पीएच क्यों ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है तो क्या होगा, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और कम से कम क्या बनेगा, कम से कम जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा। तो हमने कहा कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के लिए हम बात कर रहे हैं तो पीएच जो है वो ज्यादा हो गई है, पीएच ज्यादा हुई है, और कैसे हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ, कम से कम एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, पीएच क्या होती जा रही है, ब्लड की बढ़ती जा रही है। तो हमने कहा कि पीसीओ2 का लेवल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब रीनल चाह रहा है कि ऐसा ना हो, रीनल सिस्टम चाह रहा है, किडनी चाह रहा है कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, यूरिन में ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है। रीनल सिस्टम जो है, किडनी हमारा जो है वो क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन को यूरिन के अंदर वो एक्सक्रीट जो है वो ज्यादा करना शुरू कर देता है, ताकि ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ब्लड के अंदर अगर बाइकार्बोनेट आयन है, गौर से सुनिएगा, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल कम हो जाएगा, तो वो कम से कम क्या करेगा, एस्ट्रोसाइन की संख्या करेगा, लेवल ही कम हो गया है तो एस्ट्रोसाइन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लड के अंदर अगर एस्ट्रोसाइन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो क्या होता है, एस्ट्रोसाइन जितना ज्यादा होता है पीएच उतनी ज्यादा एसिडिक होती है, मतलब कम होगी, यानी रीजन इसको कम करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब ये कोशिश दो तरीकों की है, या तो मुकम्मल कोशिश हो चुकी या पार्शियल, जिसके हमारे पास जो है दो चीजें होगी, एक हमारे पास जो है ये हो जाएगी पार्शियल कंपनसेशन और एक हमारे पास है कंप्लीट कंपनसेशन। पार्शियल कंपनसेशन में क्या होगा, पीएच जो होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, पीएच जो होगी वो नियर नॉर्मल है, पीएच नियर नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कोशिश चल रही है। कंप्लीट कंपनसेशन में क्या हो जाएगी, पीएफ जो होगी कंप्लीट कंपनसेशन में पीएफ जो है वो नॉर्मल। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की मैं बात करने जा रहा हूं,
पार्शियली, देखो मैं पार्शियल एग्जांपल बता रहा हूँ, कंप्लीट कंपनसेशन पे फैसला करना एक थोड़ा मुश्किल है, उसका हमारा अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो इसी पे होगा कि हमें पहचानना होगा कि कौन कंपनसेट कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, उसके लिए फिर थोड़ी सी कंडीशन एडवांस हो जाएगी। तो यहाँ हमने कहा कि पार्शियल की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पी एच हमारे पास जो है अल्थरोसिस की बात हो रही है 7.6, PCO2 का हमारे पास लेवल है वो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, PCO2 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और इसी तरीके से बाइकार्बोनेट आयन का लेवल, बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल हमारे पास है, वर्सेस नहीं का, बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल हमारे पास है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ लिखा 18 मिली इक्विवेलेंट, 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये एबीजी मेरे सामने आ रही है, मेरे पीएच देखी 7.6, 7.6 का मतलब क्या हो गई, अल्कलोसिस। PCO2 की तरफ देखा, PCO2 क्या हो रही है, कम हो रही है, PCO2 कम हो रही है, पीएच ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस पार्ट की अल्कलोसिस। बाइकार्बोनेट जो है नॉर्मली 22 से 26 हो रहा है, लेकिन 18 हो गया, कम हो गया, मतलब मिनरल क्या कर रहा है, इसको कंपनसेट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि पीएच जो है वो मजीद अब ज्यादा ना हो, उसको नॉर्मल पे लाने की कोशिश कर रहा है। क्या पीएच मुकम्मल तौर पर नॉर्मल कर सका, पीएच जो है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल, पीएच जो है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं कर सका, जिसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल कंपनसेशन की, जिसकी ये डायग्नोसिस हमारे पास क्या बनी, इसकी डायग्नोसिस हमारे पास बनी पार्शियली, पार्शियली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी, क्योंकि रेस्पिरेटरी की तरफ से समझना था, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, partially compensated respiratory alkalosis। तो यहाँ जाकर हमने renal compensation के concept को आज के इस lecture में हमने समझा। अगर आपको हमारा ये lecture समझ में आया है तो video को लाजमी लाइक करें, comment में अपना feedback लाजमी दें, और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करके हमें support करें। Thank you very much।